बस बस सुन तो सब बलून इधर कर, सब बलून इधर कर। जा मिला गिफ्ट मिला है किसके तरफ से, मेरे टीचर की तरफ से जो लोग को ट्यूशन पढ़ाता है बाबू को। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज हम लोग का सट्टू का बर्थडे है। सॉरी सोना का बर्थडे है। दिखा सोना। और अभी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहले डेकोरेशन जरूरी होता है, तो जिससे कि हम लोग बलून वगैरह फुलाना शुरू कर दिए हैं और बच्चों ने अभी खेल रहे। सट्टू का बर्थडे दीदी का बर्थडे। सुन बता, सुनके का बर्थडे बता हमको पहले। दीदी का, अरे ये बाबा, हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज जा रहे, हैप्पी बर्थडे संटू बोला, हैप्पी बर्थडे बोल। बर्थडे का ब्लॉग ना मैं तो बता, बोल हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। हां दीदी, सजावट अभी बहुत बाकी है गाइस, आप लोग देखिए कैसे हम लोग सजाते हैं। अच्छा बस बस बस, आप भी ठीक करके देता हूँ। हैप्पी बर्थडे के लिए अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ है, जितना हमसे हमको आता है उतना ही हम डेकोरेशन कर पाएंगे। अब आए ना लाइन पे, वीडियो बना रहा है। हैप्पी का स्पेलिंग मन में बोल, मतलब उसको आता है बट वो बोल नहीं पाएगी ना संटू, तो तो गाइस आप लोग देख लो कितना मेहनत करके हम ये लोग पूरा सजाया है। और हमको पता है उतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मेरा हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके हैप्पी बर्थडे जो हम लगाया है बहुत सही तरीके से, क्योंकि पहला बार ऐसे हिसाब से लगा है। सुना इधर खड़ा होता एक बार देखे जा कैसा लगा था। हाँ ये क्या बोल रहा ना, हैप्पी बर्थडे एकदम सही है दोस्त। सुन तो उसका खाता भी मुड़ी के साथ। अभी बस खाली ये सजा है, अब पूरा अभी घर बाकी है, तो पूरा घर का भी थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा ना। देख का हाल हो गया पूरा, पंखा तो चला नहीं सकते, बलून सारा उड़ जाएगा, मैं भी फट सकता है, इसीलिए पंखा बंद करके हम लोग चलाना पड़ेगा। अभी और भी काम बाकी है गाइस, तो उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते। तो गाइस आप देख लो कितना अच्छा सजा हुआ है, और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना, क्योंकि हम बहुत नॉर्मली सजाया है और मे बी हमको लिखना लगता है कि 95% तो सजावट कंप्लीट हो ही गया। तो थोड़ा बाहर का भी आपको दिखा देते हैं। बाहर से कुछ आपको दिखे ऐसा दिखेगा, अंदर आप अंदर का कुछ ऐसा है। और सोच रहे कि फ़ैन थोड़ा पोछ के इसमें भी थोड़ा कारीगरी कर दे हम, फैन थोड़ा पोछ दे, क्योंकि फ़ैन कुछ ज़्यादा है वो गंदा लग रहा है, और ये बाकी तो ठीक लग रहा है। और ये यहाँ पोर्शन अपना सजेगा जहाँ पे हैप्पी बर्थडे पूरा होगा। गाइस ये रहा हम लोग का फाइनल लुक, फाइनल लुक मतलब खाली बलून सजा के नीचे का रखना था। और बर्थडे गर्ल देख लो कितना सुंदर लग रही है, और साथ ही में ये ए देखिए मुझे का, हाँ इस अरे संटुआ का कपड़ा उतना अच्छा नहीं करा ना। अरे देख लो कितना अच्छा सजा के हम रखा है, यहाँ पे बर्थडे का यहाँ पे केक रख के काटा जाए, कितना अच्छा लगा, पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा।
तो प्लीज़ गाइज इसमें आप भर भर के कमेंट करें कितना अच्छा हम सजाया है, पूरा अच्छा से बताया हमको, हो सके तो आगे जाके हम डेकोरेशन में और अपना इम्प्रूव कर लेंगे और आगे जाके बहुत कुछ जगह जाएंगे डेकोरेशन करने। चलिए अब केक कटिंग करते हैं। अब गिफ्ट का बारी है। देखो सबसे पहला गिफ्ट मिला है किसके तरफ से, टीचर की तरफ से जो लोग ट्यूशन पढ़ाता है बाबू को। और लोग देखो बॉक्स मिला है, कितना यूनिक बॉक्स है, थोड़ा दिखा बॉक्स की तरफ, दिखा क्या बॉक्स में है। बॉक्स के अंदर आपको ये पेंसिल मिल गया है डोम्स का, और साथ में आपको डोम्स का रबड़ भी है। देख रहे पेंसिल बॉक्स बहुत ही यूनिक है, खास करके ये इसका ये फल जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना सही है। बेचारे सोंटू को कुछ नहीं मिला, बेचारे जो कैसे हैं। ये मिला है दादा की तरफ से, दादाजी की तरफ से लोग गिफ्ट, इसमें चॉकलेट पूरा भर के हैं। हाँ का आई ठीक है, और सोंटू के लिए भी आया हुआ, एकमात्र दादाजी हैं जो दोनों के लिए गिफ्ट लाए हैं, बाकी सब कोई सिर्फ सोना के लिए गिफ्ट लाया है, इसलिए संटू खराब लग रहा है। तो इसी के साथ गाइस बर्थडे भी ख़त्म और ये ब्लॉग भी, और आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मज़ा आया आपको ये सब देख के। हमको तो खास करके बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब पूरा बर्थडे हम सेलिब्रेट किए और डेकोरेशन भी पूरा हम किए, इसका क्रेडिट हम पूरा अपने आप को लेते हैं, क्योंकि हम डेकोरेशन किए और बहुत ही अच्छा लगा हमको डेकोरेट करके, बहुत ही सुंदर थी हम सब कुछ बुलाया। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।